चैत्र माह की दसवीं तिथि को किया जाने वाला दशा माता का व्रत अपने आप में अद्भुत है। यह इस बार शुक्रवार के दिन पड़ने जा रहा है। माता रानी का यह स्वरूप अपने आप में अद्भुत है। गुरु जी द्वारा बताए गए तीन सरल से उपाय इस वीडियो में जानना समझना चाहेंगे, जिसे आप अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं। जैसे कि दशा माता का व्रत घर की सभी विपरीत दशाओं को सुधारने और दुख दरिद्रता का नाश और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए महिला और पुरुष जन करते हैं। शास्त्रों में इनका विधान बताया गया है, अपने आप में श्रेष्ठ व्रत इसे कहा गया है। बहुत सरलतम इसकी पूजा विधि होती है और उपाय भी सामान्य होते हैं, परंतु इनके लाभ अनगिनत हैं। इस व्रत को करने से जीवन में जो चाहें आप प्राप्त कर सकते हैं। यह जो उपाय हैं इन्हें आप बिना व्रत के भी करते हैं तो अति श्रेष्ठ रहेगा। कैसे करना है ध्यान से सुनिए। आप सभी जो है एक दिन पहले ही पूर्ण रूप से घर की साफ सफाई कर लीजिए, जैसा शास्त्रों में वर्णन है। माता रानी का यह स्वरूप माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ अम्बे के रूप में है और उस घर में ही माता रानी आती हैं जिस घर में जो है पूर्ण रूप से साफ सफाई होती है, तो इस बात का ध्यान रखें। और शुक्रवार के दिन पड़ने जा रहा है तो अपने आप में अद्भुत हो ही रहा है। और दशा माता व्रत के दिन आप सभी को पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाना होगा और पीपल वृक्ष के नीचे आप सभी को पूजा की तैयारी के साथ चले जाना होगा। कई व्यक्ति घर पर भी पूजा करते हैं, परंतु सर्वश्रेष्ठ पीपल वृक्ष की छाव में इसकी पूजा की कहानी सुनना और उपाय करना और विधि करना पूजा की श्रेष्ठ शास्त्रों में कहा गया है। आप सबसे पहले विधि विधान से पीपल देवता को प्रणाम करें, जल का लोटा लेकर जाएं और अगर संभव हो तो जल के लोटे में एक चुटकी हल्दी या सामान्य तौर पर पीपल वृक्ष के नीचे एक चुटकी हल्दी जरूर से समर्पित करें। अपने आप में यह सौभाग्य को दिलाने वाला होता है। निरंतर दशा माता का स्मरण ध्यान करते हुए आप सभी को या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का ध्यान करते हुए, क्योंकि शुक्रवार का दिन है, या माँ लक्ष्मी का स्मरण ध्यान करते हुए इस पूजा को संपन्न करें। सबसे पहले जल समर्पित करें और आप सभी जो है जल इत्यादि समर्पित करने के बाद पीपल वृक्ष के नीचे आप सभी बैठें और विधि विधान से जो भी आज आपके व्रत है उसका संकल्प लें, पूजन माता रानी का आवाहन करें और माँ से कहें कि हे माँ दशा माता, आज आपका व्रत करने जा रही हूँ और कच्चा सूत लेकर 10 परिक्रमा आप सभी को दशा माता के नाम से यह लगानी होगी। उसके बाद वहाँ पर बैठकर आप सभी एक कच्चा सूत और लें। आप चाहें तो सफ़ेद कच्चा सूत ले सकते हैं, नहीं तो आप बाज़ार में पीला भी ले सकते हैं। कच्चा सूत सफ़ेद है तो उसे हल्दी में रंग लीजिए। एक पीपल का पत्ता जो झड़ा हुआ है उसे पीपल वृक्ष की छाव में रख लीजिए। उसके ऊपर जो कच्चा सूत है उसे समर्पित करें। उसके नीचे सबसे पहले पीपल का जो पत्ता है उसके ऊपर एक स्वास्तिक बनाएं, कच्चा सूत उसके ऊपर रख लीजिए। कच्चा सूत 10 तार का होता है, 10 ही उसमें गांठ लगानी होती है। इसे साल भर धारण किया जाता है। इसके ऊपर धूप दीप नैवेद्य हल्दी रोली चंदन इत्यादि समर्पित करें। पीपल वृक्ष में 10 टिक्की मेहंदी की और 10 टिक्की हल्दी की आप सभी को लगानी होगी। यह जो कच्चा सूत आपने तैयार किया है, यहीं पर बैठकर गेहूं के दाने लेकर आप सभी को नल दमयंती की इस दिन कहानी सुननी चाहिए। अब यह कच्चा जो सूत का धागा है, पीला धागा, इसे आप सभी को गले में धारण कर लेना होगा। पूरे साल भर इसे पहना जाता है और यह सभी दुख दरिद्रता का नाश करने वाला होता है। इसके साथ ही आप सभी को इस दिन थोड़ा सा हल्दी पीपल वृक्ष के नीचे समर्पित करनी है और उसी पीपल वृक्ष के नीचे से थोड़ी सी हल्दी और उसी की मिट्टी लाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर उसके छापे जरूर से लगाने हैं। हल्दी का छापा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है दशा माता व्रत में घर के मुख्य द्वार पर लगाना। कई क्षेत्रों में यह रिवाज है, परंतु सभी लोगों को यह कार्य जरूर से करना चाहिए। खासतौर पर इस दिन गेहूं का भोजन ही किया जाता है, नमक इत्यादि नहीं खाया जाता भोजन में, आप सभी जानते होंगे। आप सभी को क्या करना है कि ग्रह दशाओं को सुधारने के लिए और जीवन में माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु दशा माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जितना संभव हो एक मुट्ठी, 1 किलो या इससे अधिक जो है गेहूं और उसमें आप एक पैकेट नमक या उससे कम जितनी आपकी क्षमता, जैसे कि इस व्रत में नमक खाया नहीं जाता, दान किया जाता है और गेहूं का ही भोजन किया जाता है, तो आप सभी किसी ब्राह्मण जन को या किसी सुहागिन महिला को या आपके घर परिवार में कोई पाने योग्य महिला या पुरुष है, जैसे कि नंद भांजे इत्यादि के घर अगर भिजवा देते हैं या इनका दान कर देते हैं तो आपके जीवन में जो बिगड़ी हुई ग्रह दशाएं हैं वह स्वयं सुधर जाती हैं और विशेष कृपा आप सभी को दशा माता की मिलती है। तो यह सरल सा उपाय दशा माता के डोरे का था जो आप सभी को जरूर से लेना है। अगर पूरे साल भर में इसे पहनने में असमर्थ हैं तो अपने घर पर जो मंदिर है किसी डब्बी में रख कर आप इसे छुपा कर रख सकते हैं। साथ ही इस दिन जितना संभव हो आप सभी को दशा माता का अगर घर पर पूजन कर रहे हैं तो उनके श्रृंगार की जो है सामग्री भी आटे इत्यादि से बनाई जाती है।
कि हर एक क्षेत्र में अलग अलग रिवाज है। अगर आप कम सामग्री चढ़ावाना चाहते हैं तो रेडीमेड अर्थात सिंदूर चूड़ी बिंदी इत्यादि बाजार से लाकर भी चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से यह सरलतम उपाय थे। इनमें से कोई सा सरल उपाय आप सभी को जरूर से करना है। हर हर महा